दोस्तों विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम हिंदूवादी संगठनों को जो है वो बड़ा झटका लगा है, जिसकी तस्वीर जो है वो हरियाणा से सामने आ रही है, जहां बड़े बड़े ऐलान नू मेवात हिंसा के बाद जो है वो किया जा रहा था, जहां पानीपत के पंडौरी में हिंदू महापंचायत बुलाई गई और उस हिंदू महापंचायत में बड़े बड़े ऐलान किए गए और उसी में से एक बड़ा ऐलान ये किया गया कि 28 अगस्त को जो अधूरी रह गई यात्रा है उसे फिर दोबारा से निकाला जाएगा, जो अधूरी यात्रा रही है उसे फिर से निकालेंगे और इस बार जो है भारी तादाद में हम लोग वहां जा करके तमाम गतिविधि को अंजाम देंगे। और उसमें मांग ये भी रखी गई कि मुसलमानों का बहिष्कार करेंगे, मुसलमानों को अपने घर गली कस्बे में रहने नहीं देंगे, और ऐलान ये भी किया गया कि अगर कोई मुसलमान किसी तरीके की गतिविधि को अंजाम देगा तो उसे तुरंत हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो देश भर से सामने आती रही और नू मेवात हिंसा के बाद किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने अपनी दुकान खोल करके एक धर्म के नाम पर अपनी ठेकेदारी को साबित करने की कोशिश की, वो चेहरा भी लोगों के सामने है। कभी वो चेहरा बिट्टू बजरंगी के दौरान सामने आया तो कभी मोनू मानेसर के तहत सामने आता है कि ब्रिजमंडल यात्रा निकाली जाएगी और इस ब्रिजमंडल यात्रा को लेकर के घर घर निमंत्रण दिया जा रहा था और घर घर से चंदा वसूला जा रहा था। अब ऐसे ठेकेदारों के उस पर हंटर चल गया है, जहां प्रशासन ने साफ तौर पर इनकार कर दिया 28 तारीख को जो ब्रिजमंडल यात्रा निकाली जानी थी, जहां प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि हम इसकी इजाजत आपको बिल्कुल नहीं देंगे, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई और ये एक बड़ा झटका खास तौर पर तमाम हिंदूवादी संगठनों को देने का काम किया गया। क्या इसके समीकरण निकले हैं, क्यों ये कदम उठाया गया है, इन तमाम पहलुओं को आप लोगों के सामने भी रखने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले बात की जाए कि 28 अगस्त को जो ये फर्जी धर्म के ठेकेदार जगह जगह जाकर के चंदा वसूली कर रहे थे, 28 अगस्त के नाम पर उस पर खास तौर पर हंटर चला और प्रशासन ने साफ इनकार कर दिया कि कोई यात्रा जो है वो निकाली नहीं जाएगी। आपको बता दें कि नू प्रशासन ने 28 अगस्त को प्रस्तावित विश्व हिंदू परिषद की ब्रिजमंडल यात्रा को आधिकारिक तौर पर अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि डीसी जिला कलेक्टर नू धीरेन्द्र खड़गट्टा ने कहा कि 3 सितंबर को टोरू में होने वाली आगामी G20 बैठक जैसे कारणों का हवाला देते हुए यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। चूंकि यात्रा की तारीख G20 बैठक के साथ मेल खाती है, इसे मंजूरी नहीं दी गई है। अनुमति देने से इनकार करते समय नू में मौजूदा स्थिति के बारे में चिंताओं का भी हवाला दिया गया है, जो कि ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि 28 अगस्त को कुछ बड़ा कांड को अंजाम दो हैं इन तमाम हिंदूवादी संगठनों द्वारा दिया जा सकता है। जहां आप यात्रा निकालते, यात्रा निकालने से किसी को कोई एतराज नहीं है, यात्रा एक धार्मिक आस्था का मामला जुड़ा हुआ है और जरूर यात्राएं निकलनी चाहिए, पर यात्रा के नाम पर जो फर्जी ठेकेदार माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं उस पर लगाम लगने की जरूरत है। जो कि ये तस्वीरों को देख करके खासतौर पर ये फैसला लिया गया। पानीपत के बजरंग दल के सदस्य नारायण ने कहा, हमें पता चला कि प्रशासन ने अनुमति हमारी खारिज कर दी है,
लेकिन संगठन के सदस्यों ने कहा कि प्रशासन की भी मंजूरी के बिना ये यात्रा निकाल के रखेंगे। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि उन्हें भी प्रशासन से यात्रा की अनुमति मिलने की उम्मीद है। बंसल ने कहा कि प्रशासन ने बाधाएं पैदा करने के बजाय प्रदर्शन समर्थन देना चाहिए, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आए, जहां विहिप को अनुमति देने से इनकार करने का निर्णय खुफिया जानकारी और स्थानीय शांति समितियों पर आधारित है, जिन्होंने कहा कि स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की थी कि इस यात्रा को फिर से आयोजित करेंगे। बीते 13 अगस्त को हरियाणा के पलवल जिले में आयोजित हिंदूवादी संगठनों ने यह ऐलान किया था कि हम दोबारा ये शोभा यात्रा निकालेंगे। और जब दोबारा शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया गया तो वो तस्वीरें भी देश की जनता ने देखी कि जहां खुलकर के जाट समुदाय के लोग सामने आए। और जब दोबारा ये ऐलान हुआ तो साफ तौर पर जाटों ने कहा कि मेवात के मुसलमानों को कमजोर ना समझे, वो कमजोर नहीं हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए हैं, और अगर किसी ने कोई हरकत करने की कोशिश की तो उसे मुसलमान बाद में देखेंगे, पहले हम जाटों से उन्हें निपटना पड़ेगा, जो कि ये फर्जी धर्म के ठेकेदार बन करके घूम रहे हैं, वो कान खोल करके इस चेतावनी को सुन ले। जहां जाटों के बड़े बड़े नेताओं ने यह खुल्लम खुल्ला ऐलान जो है वो साफ तौर पर किया, और ये आप यात्रा निकालने के बहाने जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे उस पर लगाम लगाने की जरूरत थी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और इस बात का जिक्र लगातार हो रहा था कि घर घर जाकर के निमंत्रण देने का काम विश्व हिंदू परिषद द्वारा किया जा रहा था कि ब्रजमंडल यात्रा निकलेगी, आप लोगों का समर्थन चाहिए और आप लोगों को साथ हमारे आना चाहिए, क्योंकि हम पीड़ित हैं और पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल रहा। जगह जगह जाकर के ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश हो रही थी, और दुनिया ने देखा जो असल में विक्टिम हैं वो लोग ना तो कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना कोई पंचायत चला रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, जिस पर तमाम लोग, तमाम तस्वीरें सामने आईं। और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जाट समुदाय के जो बड़े ऐलान थे उससे प्रशासन घबराया हुआ था, जो अहम पहलू को छुपाने की कोशिश इस पूरे कांड में की जा रही थी, जहां धनकर खाप के प्रधान और सर्व खाप पंचायत के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ओम प्रकाश धड़कन ने भी दो टुक बात कही थी। वो बोले, मेवाती हमारे भाई हैं, हमारे लोगों को उनके खिलाफ किसी भी हिंसा में शामिल नहीं होना है, ये हिंसा प्रायोजित थी, और उन्हें अकेले समझने की कोशिश जो है वो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग ना करें, जो कि तस्वीर आप लोगों के सामने है। और ये बड़ा फैक्ट है जो कि खुले तौर पर जाटों का सामने आ जाना, क्योंकि इससे पहले जाट महासभा के सचिव युद्धवीर सिंह ने कहा था कि जाट समाज सेकुलर है, हम किसी की गलत बात को सपोर्ट नहीं करेंगे, मेवात में अगर सरकार ने वक्त रहते कदम उठाया होता तो हिंसा टाली जा सकती थी, जाट समाज धर्मनिरपेक्ष है, मेवात हिंसा में हरियाणा सरकार की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, हिंसा किसी बात का हल नहीं है, और हरियाणा सरकार इसी रुख से जो है बुरी तरीके से घबराई हुई थी, क्योंकि जाटों का एक बड़ा प्रतिनिधित्व, जाटों की एक बड़ी वोट बैंक जो है वो हरियाणा में है, और उसी को अपनी ओर खींचने के लिए तमाम कोशिशें की गई,
जहां हरियाणा के खट्टर सरकार को आईना दिखाने का काम जाटों ने किया, जहां ब्रजमंडल यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की बात कही जा रही थी, लोग उस यात्रा में कितने पहुंचते कितने नहीं पहुंचते, कितने बाहरी लोग बुला करके हिंसा प्रसाद कराई जाती, ये तस्वीर लोगों के सामने है। पर इस बार की यात्रा में जाटों का खुल्लम खुल्ला ऐलान जो है वो सरकार को चेता गया, प्रशासन को चेता गया, और वक्त रहते प्रशासन को भी ये ऐलान करना पड़ा कि 28 अगस्त को जो ब्रजमंडल यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं उसे निकालने की अनुमति जो है वो नहीं दी जाएगी। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा, दीजिए इजाजत, शुक्रिया।